तो लास्ट एपिसोड में आपने ये देखा कि जो यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो ज़ेनो को मार देता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर अकुमो ने ज़ेनो को मारा है तो इसका मतलब अकुमो यहाँ पर ही होगा। तो फिर अचानक से कोई ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आके टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वेजिटा उसे देख के समझ जाता है कि यही अकुमो द फादर ऑफ ऑल सियान है। और फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है उस ज़ेनो ने मुझे अरेस कर दिया था लेकिन अब मैंने अपना बदला ले लिया और अब तुम्हारी बारी है ग्रैंड प्रीस्ट और अब मैं ओमनी किंग भी बन गया हूँ। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अकुमो तुमने ज़ेनो को मार के बहुत बड़ी गलती की और अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। तो फिर अकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम मुझे पहले नहीं मार सके और अब तो मेरी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और अब तुम मुझे क्या मारोगे। और तो और अब मैं ओमनी किंग भी बन गया हूँ, मतलब इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अकुमो तुम्हें क्या लगता है ओमनी किंग को मारने से कोई ओमनी किंग बन जाता है। तो फिर अकुमो बोलता है ओमनी किंग को तो मैंने मार दिया और अब ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे मार सके और अब मैं अपनी मर्जी से इस पूरे मल्टीवर्स पे रूल करूंगा और कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम तो ओमनी किंग बन ही नहीं सकते, अगर बात रही ओमनी किंग की तो ओमनी किंग को तुमने अभी मारा ही नहीं। तो अकुमो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है और बोलता है तुम्हारा क्या मतलब, मैंने तो ओमनी किंग ज़ेनो को मार दिया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अब इस पूरे मल्टीवर्स का एक न्यू ओमनी किंग है जिसका नाम है गोकू और ओमनी किंग गोकू के सामने तुम कुछ भी नहीं, ओमनी किंग गोकू तुम्हें आराम से डिफीट कर सकते हैं। तो फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है और बोलता है क्या मतलब, क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह ओमनी किंग भी चेंज होने लगे। तो फिर गोकू अकुमो के सामने आता है और बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त ज़ेनो को मारा है। तो उसके बाद अकुमो हंसने लगता है और बोलता है ज़ेनो तुम्हारा दोस्त था। तो उसके बाद अकुमो बोलता है तुम ओमनी किंग कैसे बने उन सब का तो मुझे नहीं पता लेकिन अब तुम ओमनी किंग बन ही गए हो तो तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे। तो उसके बाद गोकू बोलता है लेकिन अभी मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरा एक और दोस्त तुमसे फाइट करना चाहता है जो एक लेजेंडरी सियान है। तो लेजेंडरी सियान का नाम सुन के अकुमो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है और बोलता है लेजेंडरी सियान। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ वो एक लेजेंडरी सियान है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अब तो उसने 20 साल तक ट्रेनिंग भी की है। और फिर अकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो 20 साल की ट्रेनिंग से मुझे डिफीट कर सकता है। तो उसके बाद अकुमो बताता है मैं फादर ऑफ ऑल सियान हूँ, मतलब सबसे पावरफुल सियान और मैंने जितनी ट्रेनिंग की है उतना तो तुम सब कभी सोच भी नहीं सकते और तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से मुझे डिफीट कर सकता है। और फिर अकुमो बोलता है लेकिन वो लेजेंडरी सियान कौन है। तो उसके बाद गोकू ब्रोली को बुलाता है और फिर अकुमो और ब्रोली दोनों मिलते हैं और वो दोनों एक लेजेंडरी सियान होते हैं और अकुमो बोलता है दिखने में तो ये मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। तो उसके बाद गोकू बोलता है अकुमो तुम्हें यूनिवर्स 7 की पावर का नहीं पता, ये एक यूनिवर्स 7 का लेजेंडरी सियान है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हें अभी हम सब सियांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उसके बाद अकुमो हंसने लगता है और बोलता है तुम सब सियांस हो तो फिर तुम ओमनी किंग कैसे बने, मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग की मेहनत की कि मैं ज़ेनो को एक दिन मार के ओमनी किंग बन जाऊँ और उस ग्रैंड प्रीस्ट को तो मैंने डिफीट कर दिया था लेकिन जब उस ज़ेनो की बारी आई मैं उस ज़ेनो को मारने ही वाला था लेकिन उसने मुझे अरेस कर दिया और तुमने कोई भी मेहनत नहीं की ओमनी किंग बनने के लिए लेकिन फिर भी तुम ओमनी किंग बन गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम ओमनी किंग कैसे बने लेकिन अब जब तुम ओमनी किंग बन ही गए हो तो अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने भी सियांस हैं उन सबको मार दूंगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है वो तो देखा जाएगा कौन किसको मारता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली को बोलता है ब्रोली तुम अपनी फुल पावर के साथ आओ और मुझे एक पंच मारो क्योंकि अकुमो को लग रहा होता है वो ब्रोली को आराम से डिफीट कर देगा। तो उसके बाद ब्रोली अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर का यूज़ करता है और वह अकुमो को एक पंच मारता है जो अकुमो को काफ़ी बुरा लगता है। तो उसके बाद अकुमो बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से कैसे इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं अकुमो तुम एक बुरे लेजेंडरी सियान हो लेकिन ब्रोली बुरा नहीं है, वो एक अच्छे दिल का सियान है और वो एक लेजेंडरी सियान भी है तो इसलिए वो इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो उसके बाद अकुमो बोलता है तो उसका मतलब ये एक अच्छे दिल का सियान है तो इसलिए इसका पोटेंशियल मेरे से भी ज़्यादा है, तो अगर ये मेरे जितनी ट्रेनिंग करता तो इसकी पावर किस लेवल पे होती। तो उसके बाद अकुमो बोलता है
तुम सबको क्या लगता है तुम्हारा ये लेजेंडरी सियान मुझे डिफीट कर सकता है? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं वो तो फाइट के बाद ही पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में अकुमो अपनी बेस फॉर्म की फुल पावर को यूज़ करता है और फिर अकुमो और ब्रोली की फाइट स्टार्ट होती है और फिर ब्रोली अकुमो को एक पंच मारने जाता है जिस पंच को अकुमो डोज कर लेता है और उसके बाद अकुमो ब्रोली को एक पंच मारता है जो ब्रोली को काफ़ी बुरा लगता है और फिर उसके बाद अकुमो ब्रोली को बोलता है ब्रोली तुम हार मान लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो उसके बाद ब्रोली दोबारा खड़ा हो जाता है अकुमो से फाइट करने के लिए। तो अकुमो ब्रोली को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमो बोलता है ब्रोली अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। तो उसके बाद अकुमो अपनी फुल स्पीड का यूज़ करता है और वह ब्रोली को काफ़ी सारे पंच मारता है और अकुमो के पंच इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ब्रोली के मुंह से खून निकलने लग जाता है और फिर भी अकुमो नहीं रुकता। अकुमो अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वह ब्रोली को काफ़ी मारता है और भी ब्रोली को समझ आ जाती है कि अकुमो की बेस फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद ब्रोली अपनी सुपर सियान का यूज़ करता है और फिर उसके बाद ब्रोली अकुमो को काफ़ी बुरा मारता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली की ये पावर देख के काफ़ी शोक होता है और फिर अकुमो अचानक से स्माइल करने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारे पास ही सुपर सियान है, मैं तुम्हें सुपर सियान से भी ऊपर का लेवल दिखाऊंगा। और फिर अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और अकुमो की पावर देख के गोकू, वेजिटा, हिट, जीरन सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अकुमो से फाइट करने के लिए और फिर अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सियान की फुल पावर का यूज़ करता है और वो अकुमो को पंच मारने जाता है लेकिन अकुमो को कुछ भी नहीं होता और फिर अकुमो बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ क्योंकि तुमने सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग से ही मुझे सरपास कर दिया, मतलब मेरी बेस फॉर्म को, और ये जो मेरी लेजेंडरी फॉर्म है ये एक नेक्स्ट लेवल पे है, तुम मुझे कभी भी इस फॉर्म में डिफीट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ब्रोली बोलता है मैंने कब बोला कि मेरे पास बस एक ही फॉर्म है और फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है और बोलता है तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे पास कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन है? तो फिर उसके बाद ब्रोली ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और इस बार ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म का यूज़ नहीं करता, ब्रोली अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म का यूज़ करता है क्योंकि ये ब्रोली को भी पता था कि उसकी लेजेंडरी फॉर्म इसकी लेजेंडरी फॉर्म के आगे कुछ भी नहीं है, ये मेरी लेजेंडरी फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए ब्रोली गॉड की का यूज़ करता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्रोली की सुपर सैन गॉड देख के अकुमो बोलता है मैंने सोचा था तुम्हारे पास बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी लेकिन तुम्हारे पास तो सुपर सैन गॉड भी है। तो फिर उसके बाद ब्रोली बोलता है अभी मेरे पास एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिर अकुमो सोचने लग जाता है और बोलता है क्या इसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है या फिर कोई और ट्रांसफॉर्मेशन है? मुझे गॉड की अनलॉक करने में इतने हजारों साल लग गए थे लेकिन इसने सिर्फ 20 साल की ट्रेनिंग में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया और अब ये बोल रहा है कि इसके पास एक और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है? क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है या फिर ये भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म की बात कर रहा है? लेकिन अगर हम सियान गॉड की का यूज़ करें तो हमारी पावर लेजेंडरी फॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर इसके पास लेजेंडरी फॉर्म है भी तो इसकी लेजेंडरी फॉर्म सुपर सियान गॉड से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होगी, तो फिर इसके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? तो फिर उसके बाद ब्रोली अकुमो के ऊपर अटैक करता है और फिर अकुमो ब्रोली के इस अटैक को डोज करने की कोशिश करता है लेकिन अकुमो नहीं कर पाता क्योंकि अब ब्रोली की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो उसके बाद ब्रोली अकुमो को काफ़ी बुरा मारता है। तो फिर अकुमो बोलता है इसकी सुपर सैन गॉड की पावर मेरी लेजेंडरी फॉर्म से ज़्यादा है और फिर ब्रोली काफ़ी बुरा पंच मारता है अकुमो को जिससे अकुमो के मुंह से खून निकलने लग जाता है और फिर ब्रोली अकुमो के फेस पे किक मारता है जिससे अकुमो दूर जाके गिरता है और दूसरी तरफ वेजिटा, हिट, चिरन, गोकू सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं ब्रोली की न्यू पावर देख के और फिर गोकू बोलता है इसने काफ़ी कम टाइम में अपने पावर लेवल को ज़्यादा कर लिया, अगर ये हमारे जितनी ट्रेनिंग करता तो इसकी पावर किस लेवल पे होती? तो फिर अकुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल बताता है और उसकी लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल देख के सारे काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाते हैं और फिर वेजिटा बोलता है लेजेंडरी फॉर्म का भी दूसरा लेवल होता है, मुझे तो लगा था बस सुपर सियान के ही लेवल होते हैं।
तो उसके बाद अकुमो बताता है, तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेरी फाइनल फॉर्म कौन सी है। तो फिर उसके बाद दोबारा से अकुमो और ब्रोली की फाइट स्टार्ट होती है और इस बार अकुमो ब्रोली को काफी बुरा मारता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे होते हैं। मतलब ब्रोली की सुपर सैयन ब्लू और अकुमो की जो लेजेंडरी फॉर्म का दूसरा लेवल होता है उन दोनों की पावर सेम होती है। तो फिर उसके बाद ब्रोली अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वह अकुमो के पीछे आ जाता है और फिर ब्रोली अकुमो को एक पंच मारता है और फिर अकुमो भी अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करता है और वो भी ब्रोली को पंच मारता है और फिर अकुमो काफ़ी सारे ब्लास्ट करता है ब्रोली की तरफ और ब्रोली भी काफ़ी सारे ब्लास्ट करता है अकुमो की तरफ और फिर उन दोनों के ब्लास्ट आपस में टकराते हैं। तो उसके बाद अकुमो को समझ आ जाती है वो ब्रोली को डिफीट नहीं कर सकता अपनी लेजेंडरी फॉर्म के दूसरे लेवल में। तो उसके बाद अकुमो बोलता है आप मुझे इनको अपनी लेजेंडरी फॉर्म का तीसरा लेवल दिखाना पड़ेगा और उसके बाद अकुमो पावर अप करने लग जाता है और अकुमो को देख के गोकू और वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर गोकू बोलता है अब ये अपनी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। तो फिर उसके बाद अकुमो काफ़ी देर तक पावर अप करता है और जैसे गोकू के सुपर सैयन 3 में बाल बड़े हो जाते हैं वैसे ही अकुमो के भी बाल बड़े होने लग जाते हैं और इसे देख के गोकू और वेजिटा दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर गोकू बोलता है जैसे मेरे पास सुपर सैयन का तीसरा लेवल है वैसे ही इसके पास लेजेंडरी फॉर्म का तीसरा लेवल है। तो फिर उसके बाद अकुमो अपनी लेजेंडरी फॉर्म के तीसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर ब्रोली अपनी सुपर सैयन ब्लू की फुल पावर का यूज़ करता है और वो अकुमो को पंच मारने जाता है लेकिन इस बार अकुमो ब्रोली के पंच को पकड़ लेता है। तो उसके बाद अकुमो ब्रोली को एक काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है और इस बार अकुमो ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लग जाता है और फिर ब्रोली बोलता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा मेरे पास अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है। और फिर उसके बाद ब्रोली अकुमो से दूर आ जाता है और उसे देख के अकुमो बोलता है क्या हुआ है ब्रोली, मुझे लगता है अब तुम्हें पता चल गया है कि मेरी पावर किस लेवल पे है, तुम जो मर्जी कर लो तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, तुम तो मेरे लेजेंडरी फॉर्म के तीसरे लेवल को डिफीट नहीं कर सकते तो तुम मेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को क्या डिफीट करोगे और अभी तुम में से किसी को भी नहीं पता मेरे पास कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है और अब मुझे नहीं लगता कि तुम में से इतना कोई पावरफुल है जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। और फिर अचानक से अकुमो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर दिखाया जाता है कि ब्रोली के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओरा निकल रहा होता है और ये ओरा काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। मतलब उस ओरे को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोली किसी और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है और फिर ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोली ने अपनी सुपर सैयन ब्लू का कोई और लेवल अनलॉक कर लिया है। तो फिर उसके बाद सारे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ब्रोली की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख के और फिर गोकू बोलता है ब्रोली ये तुम्हारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है और फिर ब्रोली बताता है मैं एक लेजेंडरी सैयन हूँ तो इसलिए मैंने अपनी लेजेंडरी फॉर्म और सुपर सैयन ब्लू को एक साथ कंबाइन कर दिया तो इसलिए मैंने अब एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया है। मतलब ब्रोली ने अपनी सुपर सैयन ब्लू के साथ लेजेंडरी फॉर्म को मिला लिया है, मतलब दोनों को आपस में मिक्स कर लिया है तो इसलिए ब्रोली ने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर लिया। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।